और फिर डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि 2 महीने हो गए तो मतलब आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हो. आई विल टेल यू व्हेन इज द राइट एज, व्हाट एज इट शुड बी. Hello everyone, welcome back to our channel Tale of the Tales. This is Litty, by the way, and I have adopted her at the age of 3 months, near about 3 months. So today's topic is, when is the right age to adopt a kitten? Should never be below 2 months. Why? The number one reason is, आपको शायद ऐसा लग सकता है कि बड़े एज के किटन को अगर मैं अडॉप्ट करूँगी या करूँगा तो बाद में वो ढंग से हमारे एनवायरनमेंट में आके एडजस्ट नहीं हो पाएगा या फिर हमारी चीज़ों को ढंग से वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं है, दे आर प्रिटी मच अडॉप्टेबल, वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, इट्स जस्ट अ मिथ. और 2 मंथ्स के नीचे वाले बच्चों को इसलिए नहीं कभी भी अडॉप्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस दे आर विंड ऑफ. खुद से जब तक वो लोग खाना नहीं सीखते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो पहले स्मॉल किटन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किटन को खिलाना कैसे है, उसको स्टिमुलेट करके पी पॉटी कैसे करवाना है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ऑल्सो आपको बहुत सारे अलग इश्यूज आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इतना छोटा बच्चा पूरा टाइम चिल्लाता रहता है, स्क्रैच करता रहता है बॉडी में, स्क्रैचेस, यू कैन सी देयर स्क्रैचेस ऑल ओवर माय बॉडी. आई एम प्रीटी यूज्ड टू, बट देयर आर फ्यू पीपल जिनको कैट चाहिए, क्यूट दिखने वाला अच्छा पर्शियन किटन या कैट उनको चाहिए और फिर थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाता है दे स्टार्ट टू पैनिक कि अरे क्या मुझे इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, क्या मैं अभी इस बच्चे को ले जाके वैक्सीनेशन करवा लूँ. सो नो, काफ़ी डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं कि 2 महीने हो गए तो मतलब आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हो, बट नो, आई विल नेवर एवर डू दैट एंड नेवर सजेस्ट दैट. 3 महीने से नीचे के बच्चे को तो आप कभी मत करो, बिकॉज बहुत नाजुक होता है उनका हेल्थ कंडीशन, ढंग से चीज़ें बिल्डअप नहीं हो पाती है, आप ले जाके वैक्सीनेशन लगवा देते हो. जैसे कोरोना के वैक्सीन, आई एम जस्ट सेइंग फॉर एन एग्जांपल, छोटे बच्चों को दिया नहीं जाता, राइट, बिकॉज दे आर नेचुरली इम्यून, तो उनका इम्यून सिस्टम बिल्डअप ही नहीं होगा. आप ले जाके वैक्सीनेशन करवा दोगे और फिर वो बीमार पड़ेगा, बिकॉज वैक्सीनेशन का एक मेजर इफेक्ट होता है. तो पहले तो आपको चेक करना है वॉमिटिंग टेंडेंसी है कि नहीं, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं, पी पॉटी नॉर्मल है कि नहीं, लूज मोशन तो नहीं है, खाना ढंग से तो खा रहा है. और आफ्टर दैट जो सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर कंडीशन. आप बारिश के टाइम पे या एकदम विंटर सीजन में ले जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हो जबकि वो बीमार पड़ेगा, उसको फीवर होगा, तो आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा, उसके लिए तो है ही. तो इसीलिए कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, यू शुड नेवर एवर कंसिडर अ वेरी टाइनी किटन फॉर अडॉप्शन. काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे 10 दिन के बच्चे, 10 दिन के किटन को मुझे अडॉप्ट करना है, 1 महीने के किटन को अडॉप्ट करना है. भाई, 1 महीने का किटन, 10 दिन का किटन, 20 दिन का किटन, दे शुड बी विद द मदर. वो मदर मिल्क फीड नहीं करेगा, उसका इम्यून सिस्टम बिल्डअप ही नहीं होगा, फिर आप लेके आओगे, आपको कुछ नहीं पता कैसे टेक केयर करना है, और वो बच्चा बीमार पड़ेगा, आप उसको सलाइन तक नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उसका वेन ले ही नहीं पाएगा वो ट्रीटमेंट, फिर वो किटन सर्वाइव ही नहीं करेगा, आप किसको ब्लेम करोगे. तो you have to understand the circumstances and situational pros and cons before adopting. So always consider the starting age at least of 2 months above, but never below that. जब भी किटन विंड ऑफ हो जाए, 2 महीने से पहले भी काफ़ी किटन अपने मदर के साथ रहते तो खाना थोड़ा बहुत सीख जाते हैं. दे ट्राई टू टेंड टू ईट मोर ऑफ दी वेट फूड, बट ड्राई फूड इतना नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप जब वो 2 महीने के हो जाते हैं, ड्राई फूड खाने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, देन ओनली यू अडॉप्ट, सो दैट आपके लिए भी वो सिचुएशन आसान रहे, उसके लिए भी चीज़ों को समझना और आपके नए एनवायरनमेंट में आके कंफर्टेबली एडजस्ट होना उसके लिए भी आसान रहे. और मैंने खुद अडल्ट कैट को भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो इट्स जस्ट अ मिथ. इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, हाउ यू आर मेकिंग देम कंफर्टेबल एट योर प्लेस, एंड हाउ वेल यू आर एबल टू मेक देम फील गुड. इट इज ओनली ऑल अबाउट दैट. मेरे घर में डॉग है और इतने सारे कैट्स हैं, सब साथ में मिल के इतने अच्छे से फैमिली की तरह रहते हैं, कभी झगड़ा लड़ाई वो तो छोड़ दो. मैं बाहर से भी अगर रेस्क्यू करके नए किटन लेके आती हूँ, इनफैक्ट दिस टाइम आई हैव अ मदर कैट विच इज़ अ फुल्ली स्ट्रे कैट एंड शी इज़ एडजस्टिंग सो वेल, एंड ऑल माई अदर बेबीज, माई इंडोर बेबीज आर एडजस्टिंग सो वेल विद हर. लगता ही नहीं कि वो बाहर से आई हुई है.
तो ये एनवायरनमेंट मैं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव वाइब दैट इज़ हेल्पिंग देम टू को एग्जिस्ट, राइट? सो दिस इज़ द रीज़न. एंड सेकेंडली, 2 महीने से नीचे के बच्चे को आप घर लेके आए ये सोच के कि आपका बच्चा उसके साथ खेलेगा एंड ऑल दैट, फिर छोटे किटन के थोड़ा बहुत भी नेल आपके बच्चे के बॉडी में कहीं पे स्क्रैच में लग गया, आप पैनिक करोगे आपके बच्चे को क्या होगा. बट ये भी तो सोचो, वो भी तो एक छोटा सा बच्चा है. इसलिए जो लोग रेस्क्यू करते हैं, अडॉप्शन के लिए पोस्ट डालते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम, प्लीज़ इफ़ योर मोटो इज़ टू गिव द किटन अ बेटर लाइफ अहेड, तो डू नॉट हरी, डू नॉट रश इट. आप उसको रेस्क्यू करके आज लेके आते हो और आपको बस चाहिए कल ही कोई आके उसको अडॉप्ट कर ले, दिट शुड नॉट बी द वे ऑफ इट. क्योंकि आप पहले उसको लेके आए हो, आप खुद पहले उसका एक प्रॉपर हेल्थ कंडीशन चेक करो, सब कुछ सही है कि नहीं, पहले आप खुद वो चीज़ देखो. अगर आपको लगता है आप घर पे ले जाके रख ही नहीं सकते, देन डोंट जस्ट पिक देम अप फ्रॉम द स्ट्रीट, राइट? क्योंकि मेरा मानना ये है, इफ़ आई एम अ रेस्क्यूअर, इट्स नॉट दैट कि आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन माई हाउस, आई स्टे इन अ 2 BHK, इट्स अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं रेंट में ही रह चुकी हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब इन अदर स्टेट, राइट? तो वहाँ पर भी मैं इतने सारे पेट्स को रखती हूँ, लाइक माई बेबीज, दे आर माई बेबीज, नॉट माई पेट्स. सो मैं अगर उनको रखती हूँ, टेकिंग यू नो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, तो इसका कोई रीज़न है. अगर उसके बाद भी मैं नए बच्चों को रास्ते से उठा के ला रही हूँ, इट इज़ ऑलवेज ऑन मी. मैं उनको देखती हूँ बैड कंडीशन में है, एक्सीडेंटल केस है, या फिर मुझे लगता है मैं हेल्प कर सकती हूँ, मदरलेस कैट या किटन है जिसका मदर या तो नहीं है आसपास, कोई आके वहाँ पे छोड़ गया है, या तो मदर का डेथ हो गया है. मैं रूम में लेके आती हूँ ये सोच के नहीं कि मैं लेके जा रही हूँ, आई के नॉट कीप, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव सो मैनी, तो कल कोई आके उसको मेरे से अडॉप्ट कर ले, मैं कभी ये सोच के नहीं करती हूँ. माई इंटेंशन इज ऑलवेज दैट कि मैं अगर उसको उठा रही हूँ खुद, इसका मतलब है मैं उसको हेल्प करने के लिए लेके जा रही हूँ, ना कि एक बर्डन की तरह कि कोई आके मेरे सर से वो बोझ उतार दे. मैं पहले उसको अपने पास रखती हूँ, उसका हेल्थ चेक करती हूँ, उसको प्रॉपर यू नो फिट कंडीशन में मैं उसको लेके आती हूँ, मैं खुद उसका डिवॉर्मिंग करती हूँ, मैं हो सकता है खुद उसका वैक्सीनेशन पहले का करवा देती हूँ, आफ्टर दैट व्हेन इट इज़ ऑल गुड फिर मैं जाके उसको अडॉप्शन के लिए डालती हूँ. कोई आता है लेता है, वेल एंड गुड, नहीं लेता है, मैं खुद के घर के बाहर उसको बाकी स्ट्रे कैट के साथ उधर ही रखती हूँ, फीड करती हूँ डेली, उसका ध्यान रखती हूँ, मेडिकल इमरजेंसी आता है तो ट्रीट करती हूँ. दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड आई बिलीव इट शुड ऑलवेज बी लाइक दिस. दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड आई वुड रिकमेंड वन मोर थिंग, अगर आपको नहीं चाहिए कि घर पे आप एक किटन लेके आ रहे हो और आने के बाद वो ज़्यादा चिल्लाए, चीज़ों को स्क्रैच करे, आपके बॉडी के ऊपर चढ़े, और आपको बस वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो आई विल सजेस्ट ऑलवेज कंसिडर अ पेयर अडॉप्शन व्हेन इट कम्स टू कैट और किटन. इट्स अनलाइक डॉग, दे आर वेरी मच टेरिटोरियल, दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे नीड योर इन्वॉल्वमेंट. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपको चिंता है आप घर पर ज़्यादा टाइम नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो आपका पेट अकेले अकेले कैसे मैनेज करेगा. ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर अडॉप्टिंग अ पेयर ऑफ किटन और पेयर ऑफ कैट्स. एज गैप थोड़ा बहुत रहता है तब भी चलता है. अगर डिफरेंट जेंडर का आप लेना पसंद नहीं करते हो कि आपको आगे चल के टेंशन होगा कि मेटिंग हो जाएगा तो इश्यूज है, तो आप सेम जेंडर को कंसिडर कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि 2 लड़कियां साथ में झगड़ा करेगी या तो 2 male cats साथ में नहीं रहते. यू शुड कम एंड चेक माई होम फॉर दैट. इतने सारे डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट एज और डिफरेंट जगह जगह से उठ के सब लोग आए हैं इकट्ठे, दे नेवर नेवर हैड दैट इशू. इसलिए तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाती हूँ. मुझे सिर्फ लगता है इट इज़ ऑलवेज अप टू यू हाउ यू आर कीपिंग दैम, हाउ यू आर ट्रीटिंग दैम. सो अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब है, आप अगर वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो, देन वहाँ पर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि मैं 2 male cat को नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग लड़ाई करेंगे, आपस में लड़ेंगे या मारेंगे.
वो नहीं है. बट हाँ, स्टेरिलाइजेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. भले आप कोई भी जेंडर का लो, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट वेरी सून. अंटिल देन प्लीज डू टेक केयर एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज. एंड ऑल्सो डू नॉट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. आई रियली नीड ऑल ऑफ योर हेल्प टू ग्रो सो दैट आई कैन हेल्प मोर पीपल एंड मोर स्ट्रीटीज आउट देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर.